शांत रहना, कोई बच्चा बोलेगा नहीं, ठीक है। फिलहाल अभी मैं आगे देखिए, आ रही है भाई शकल, बोलते तो मत वीडियो में जी, ऐसे क्यों आ रही है काम। तो राधे राधे बच्चों, मैं हूँ हृदय एससी जी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा सॉल्ट फैमिली डिस्कस करने वाले हैं, जो भी आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है सारी चीजें आज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो जो बेटा सॉल्ट होता क्या है एक्चुअल में, हम लोगों ने अभी जो एसिड और बेस पढ़े होंगे, तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें हमने ये कहा था आप लोगों से कि अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं बेटा, सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। तो जो सॉल्ट बना हुआ है एक्चुअल में, हम आज उसी की स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे एनसीईआरटी में बेटा चार या पांच कुछ सॉल्ट दे रखे हैं और उनके क्या क्या रिएक्शन है, उनको क्या बोलते हैं हम, तो वही डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो बेटा पहला है हमारे पास बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को हम कॉमन नेम, ध्यान रखना, कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। क्लियर हो गई आप लोगों ने, वो वाली रिएक्शन अगर याद होगी आप लोगों की, मेटल अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो यही तो था सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो NaHCO3 क्या है यहाँ पर बेटा, बेकिंग सोडा है, ठीक है। तो ये प्रिपेयर्ड कैसा होता है ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ पर बेटा NaCl, NH3 और H2O और CO2, अगर ये चारों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनता है हमारे पास, NaHCO3 और अमोनियम क्लोराइड। जिनको नहीं पता वो नाम लिखते हुए चलना साथ के साथ, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। तो अब इसकी यूजेस क्या है, वैसे मैंने एक एक यूज लिखा हुआ है, तो जैसे ये एंटी एसिड के लिए भी यूज किया जाता है। क्लियर हो गई, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ अगर हम डिस्कस करें बेटा ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2 और इसको हम बोलते हैं कैल्सियम। अब देखो बेटा यहाँ पर ओ आ रहा है तो ओ के लिए हम यूज करेंगे ऑक्सी और क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा नाम, कैल्सियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2। क्लियर हो रही है चीज, ठीक है। तो अगर इसकी मैं प्रिपरेशन देखूं तो बनता किस तरह से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्लोरीन की अगर मैं आपस में रिएक्शन करवाता हूं तो CaOCl2 प्लस में H2O मिल जाएगा हमें। क्लियर हो गई ये बात। अब देखो बेटा इसकी यूजेस क्या है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, कहने का मतलब ये जो कि हम पानी पी रहे हैं उसमें से क्या है, जितने भी बैक्टीरिया है उनको रिमूव करने के लिए हेल्पफुल होता है ये, ठीक है। अच्छा, वॉशिंग सोडा की अगर बात करी जा रही है तो वॉशिंग सोडा का क्या होता है बेटा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ध्यान पूर्वक देखना। देखो फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, तो जो 10 है ना उसी के लिए हम डेका वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, और H2O के लिए हम यहाँ पर हाइड्रेट यूज कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द, मतलब चार ऑप्शन दे रखे होंगे कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, तो क्या हो जाएगा बेटा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ध्यान पूर्वक देखना, एमसीक्यूज में पूछ लिया जा सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन अगर मैं देखूं तो किस तरह से देख सकते हैं हम कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की अगर मैं 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा बेटा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और ये बेटा बोरेक्स को बनाने के लिए यूज में आता है, ठीक है। अच्छा, बात करी जा रही है बेटा पीओपी की, पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कॉमन नेम होता है वो होता है बेटा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। हेमी का मतलब यहाँ पर वर्ड, मतलब जो हेमी वर्ड यूज किया गया है वो आधे के लिए यूज किया गया है। तो देखो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, CaSO4 डॉट हेमी बोले तो आधा हाफ, और हाइड्रेट अभी मैंने आपको बताया था पीछे क्या होता है, H2O होता है। इसकी अगर प्रिपरेशन करी जाए तो बेटा CaSO4.2H2O, ये क्या होता है हमारे पास, जिप्सम। तो जिप्सम को अगर हम हीटअप करते हैं तो हमारे पास ये CaSO4.5H2O प्लस में 1.5H2O निकल जाता है, ठीक है। अगर इसको यूजेस की देखें तो बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो एक हमने यूज किया है कि फ्रैक्चर्ड बोन के लिए सेट करने के लिए यूजफुल होता है। क्लियर हो गई अगली बात। लास्ट हमारे पास बचता है बेटा कास्टिंग सोडा, तो कास्टिंग सोडा क्या होता है हमारे पास, कास्टिंग सोडा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है NaOH, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर मैं प्रिपरेशन करूंगा तो 2NaCl प्लस में 2H2O, तो ये क्या बना लेगा, 2NaOH प्लस में Cl2 प्लस में H2। अब देखो एक चीज और देखो बेटा, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके यूजेस अलग पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से, और क्लोरीन के यूजेस अलग पूछ लिए जाते हैं, और H2 के यूजेस अलग पूछ लिए जाते हैं। तो साक्षी बताओगे H2 का क्या यूज होता है इसके केस में, बताया था मैंने क्लास में H2 का क्या यूजेस होता है,
एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, अगर आप देखोगे तो साइड में H2 का यूज लिखा हुआ होगा, फ्यूल के रूप में इसका यूज किया जाता है। देखो ये डायग्राम अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो यहाँ कहीं पे H2 का यूज है फ्यूल्स और मर्गेराइन और अमोनिया और फर्टिलाइजर्स के लिए यूज किया जाता है, और क्लोरीन का भी अलग दे रखा होगा बेटा इसमें। क्लोरीन का चेक करो, हाँ ये रहा। वाटर ट्रीटमेंट और स्विमिंग पूल्स में इनका यूज किया जाता है पानी को साफ करने के लिए, पीवीसी के लिए यूज किया जाता है, सीएफसी पेस्टिसाइड्स के लिए भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो अलग से आपको या तो केस बेस स्टडी में हो गया या वन मार्क क्वेश्चन में भी आपसे इन दोनों के भी यूजेस पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ क्लियर हो जाएगा। एक बार बात कर रहे हैं बेटा पीएच स्केल, वो भी आज इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो पीएच स्केल क्या होता है कि अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कहने का मतलब यह है कोई भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है उसमें एच हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, तो वो क्या बताती है आपका एक पीएच मेजरिंग स्केल बताती है। अगर एसिडिक है बेटा तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी, क्लियर हो गई। न्यूट्रल है तो पीएच की वैल्यू बराबर में 7 होती है, और बेसिक है तो 7 से ज्यादा होगी, क्लियर हो गई। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी पूछ ली जाती है आप लोगों से 2 नंबर में, तो कुछ इंपॉर्टेंस भी लिखी हुई है। एनिमल्स एंड प्लांट्स पीएच सेंसिटिव, पीएच ऑफ सॉइल, पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉज ऑफ टूथ डिकेइंग, सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल एंड प्लांट्स। तो ये बेटा प्रॉपर हमारा था सॉल्ट फैमिली और पीएच स्केल पर वीडियो थी। तो जो है इसको वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।